खेला प्रारंभ हुई
तो कृष्ण की जो पार्टी थी ना वो हार गई, क्योंकि उसको हारने में थोड़ी तकलीफ नहीं थी, जैसी हार हुई थी। अब जब हार गई और नारायण हार गई तो श्री कृष्ण हार गए तो श्री रामा को उन्होंने अपने कंधे पर उठाया, पांव देने के लिए मांडिल भट्ट तक ले जाएंगे। और नारायण प्रलंबासुर भी था उनके पक्ष में, तो उसने बलराम जी को अपने कंधे पर उठाया और लोग तो ले जाके मांडिल भट्ट पर उतार दें, लेकिन वो प्रलंबासुर जो है वो बलराम जी को उतारे ही नहीं, वो तो दैत्याकार प्रकट हो गया बिल्कुल बादल के समान, जैसे बलराम जी को खाए रखा जाएगा। ये दूध के आचार शेष है वो संकर्षण। उन्होंने कहा कि अरे संसार के अभ्यास से तू पैदा हुआ है ले। कृष्ण ने धमकारा, भैया ये आश्वासुर है इसको मारो। तो एक भूसा बलराम जी ने मारा। ये जो अभ्यास संस्कार जन जो देह दैनिक बुद्धि है हम योग से निवृत्त हो जाती है। अब महाराज मर गया, सात लोगों ने नारायण दौड़ दौड़ कर बलराम जी को अपने हृदय से लगाया और बड़ा आनंद हुआ। पर ग्वाल बाल तो लग गए खेल में, कृष्ण लग गए खेल में, बलराम लग गए खेल में, और जो कौवे हैं वो हरी हरी घास चरती हुई और पहुंच गई सीक वन में। एक सीक होता है महाराज वहाँ, क्योंकि इंद्रियों की उपेक्षा हो जाती है, वो अरे ये जहाँ जाते हैं वहाँ जाए, निज विषय में इंद्रिय बढ़ते है, फिर तो मेरो नाके का विकास सागर में इसे लिखा हुआ है, इंद्रिया इंद्रिया से तू बर्तन से। अब तो उनकी उपेक्षा हो गई तो वो चले गए विषयों में। अब वहाँ लग गई आग, अब संसार की आग, और नारायण इंद्रिया जब विषयों में जाएंगी तो वो चाहे ज्ञानी की हो और चाहे अज्ञानी की हो दुख तो देंगी। अब महाराज जलने लगी, अब गौए लचराए ग्वाल बाल व्याकुल हुए। भगवान ने कहा कि आँख बंद करो, और ग्वालों ने जो आँख बंद किया तो भगवान ने नारायण उस आदमी को भी आत्मसात कर दिया। अपने से अभिन्न रूप में जो देखा तो आदमी शांत हो गए। अब उसके बाद तो महाराज सायंकाल शरीर पर गायों के खुर से उड़ उड़ करके धूल पड़ी हुई, और नारायण काले काले बाल, उस पर सफेद सफेद धूल, जंगली फूलों का श्रृंगार, और नारायण मोर की पांच सिर पर और जंगली फूलों का सारा श्रृंगार, और गुजर चितवन और मंद मंद हास्य बांसुरी बजाते हुए जो श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गायों के साथ वृंदावन में पहुंचे। अब तो गोपियां जो हैं वो अपनी आंख बिछाए हुए खड़ी थी। ये महाराज ज्ञानी लोगों को शरीर से ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है, मन से भी नहीं होता, पार 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 परे परे परे, लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें केवल व्यतिरेक ही नहीं होता, अन्वय हो जाता है। माने ब्रह्म सबसे परे है तो बात नहीं है, सब में अनुगत होने से वही सब है। नारायण अब तो गोपियां उन्हीं को बोलते हैं जो अपने इंद्रियों से ब्रह्म का अनुभव करते हैं। गोभी ही पिबंती गोभी इंद्रिय ही पिबंती ब्रह्म रसम, यदि गोपा तेषाम पत्न्यः गोप्यः। नारायण ये तो साक्षात ये रहा ब्रह्म, ये रहा ब्रह्म, ये रहा श्याम, ये रहा श्याम। अब तो श्री कृष्ण के दर्शन से उनको परमानंद हुआ, जिसको वेदांतियों ने भेज दिया था सातवें आसमान में। न नाम है न रूप है, न मिलना है न जुलना है, वो तो गोपियों के आंगन में नाचने वाला, नाचने वाला नारायण, उखल में बंधने वाला, उनके आंचल में बंधने वाला, उनके सामने हंसने वाला, खेलने वाला, भागने वाला, आनंद में महाराज मग्न हो गई
गोपियाँ दोनों की आँखें मिली, चार आँख हो गई, आनंद में मग्न है। अब नारायण इसी बीच में ऋतुएं आई, उनका वर्णन है भागवत में, हो वर्षा ऋतु आए और आकाश में बादल छा गए और वर्षा होने लगी, हरी हरी घास हो आई। अब गौएं चरने के लिए जाएं तो उनके साथ श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बाल कभी सात समय से आवे कभी न आवे, तो कभी पहाड़ की गुफा में बैठ जाए सब के सब, और कभी पेड़ की फोड़र में जो पुराने पुराने पेड़ थे उसमें बैठ जाए, और भोजन की सामग्री आवे तो खुले हुए पत्थर पर ऐसे ही बिना किसी पात्र के भोजन करे। अपने ब्राह्मण को दे नहीं महाराज, और तो ग्वारिया से उनका ब्राह्मण तो निवृत्त हो गया था। नारायण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्रत्व, नारायण न वर्णा न वर्णा श्रमाचार धर्मा, नारायण मग्न होकर के खाए पिए, गायों का पेट जल्दी से भर जाए, अब बड़े बड़े उनके थन, और जब चले तो दूध अपने आप जले, और घास पर महाराज दूध गिरे तो खट्टी खट्टी घास, नारायण उन पर दूध गिरा तो दही बन गया। अब ग्वाल बाल लोग जो है वैसे भी दूध पी ले, और जो घास पर जमा हुआ दूध उसका दही खा ले, और नाना प्रकार की चिंता करें। इसके बाद आई शरद ऋतु, बड़ा विस्तार से वर्णन में हो, जैसे गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन किया है। ये सारा का सारा गोस्वामी जी का वर्णन भागवत से दिया हुआ है, और दृष्टांत तो है नारायण आध्यात्मिक, और दृष्टांत है आदि भौतिक, ऐसा विपरीत करके वर्णन किया है उन्होंने कि देख के आनंद आ जाता है। वो भागवत से ही सारा का सारा लिया हुआ है। शरद ऋतु जब आई तब आकाश स्वच्छ हो गया और कीचड़ जो है वो धुल गई और जल निर्मल हो गया। अब शरद ऋतु में भगवान ग्वाल बालों के साथ विहार करें। इसके बाद क्या हुआ महाराज, जब वो बांसुरी बजाते हुए लौटे तो उनकी मंद मंद मुस्कान, उनकी प्रेम भरी चितवन, उनकी बंसी, ये सब आनंद की जैसे धारा बह रही हो, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद हो गया। असल में आनंद तो अपना स्वरूप ही है, जब वृत्ति में वो उतरता है प्रतिबिंबित होता है तब उसका नाम प्रेम हो जाता है। वृत्ति में आए हुए आनंद का नाम प्रेम है, और वृत्ति में जो नहीं आया हुआ स्वरूप भूत आनंद है उसको आनंद कहते हैं। अब तो चारों ओर आनंद ही आनंद, और गोपियां देखे श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते, गायों के पीछे आते जाते, नारायण नाचते गाते बजाते, ये तो कृष्ण को आकर्षण करने के लिए आए हुए हैं। ब्रह्म में आकर्षण विकर्षण नहीं है, न वो किसी को खींचता है और न किसी को भगाता है, परंतु ये जो श्री कृष्ण है महाराज, ये तो जो विमुख जीव है उनको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कृष्ण के रूप में आए हुए हैं। एक बहु आई वृंदावन में, तो सास ने सिखाया कि देखो यहाँ नंद नंदन रहता है, जो उसको देखे तो मोहित हो जाए, तो तुम उसकी ओर देख रहा मत। अब सास चारों को बहु ने मान लिया कि देख रहा मत। अब एक दिन कृष्ण उतर से उधर से निकले तो वो कोई काम कर रही थी बहु, बहु बैठ करके थाली में चावल दाल अलग अलग कर रही थी, भून रही थी, तो श्री कृष्ण ने आके पट से अपना नूपुर ननकार दिया, बजा दिया नूपुर। अब गोपी समझ गई कि आ गया, तो उधर से अपनी नजर फेर ली, घूंघट टाल लिया, अब तो उन्होंने बांसुरी बजाई तब भी उधर नहीं देखा, अब नाचने लग गए महाराज तब भी नहीं देखा, तो एक कंकड़ उठा के उसको मार दिया। अब जो मार दिया महाराज तो देखने लगी वो के, अब आंख से आंख मिली, वो भी बांसुरी के तुम पर नाचने लगी। सांसी आई, अरे बहु क्या कर रही है क्या कर रही है, हाँ अब वो आई तो वो भी नाचने लग गई। नारायण अब सास बहु श्री कृष्ण ये तो महाराज आनंद देने वाला अवतार है,
कर बिना आनंद के मन का आकर्षण होता नहीं, चाहे कितना ध्यान कराओ कितना ध्यान कराओ। समाधि मन को विकसित नहीं करती है, समेटती है। नारायण ज्ञान जो है वो मन को प्रफुल्लित नहीं करता है, उसमें जो विषय है उनको निकाल देता है। ये महाराज परम आनंद की लीला वृंदावन में होने लगी। अब गोपियों ने सुना, सो महाराज गोपियां तो व्याकुल कृष्ण के लिए वो कृष्ण नाम जब से श्रवण सुनौरी आली भूली री भवन और तो बावरी है ली। जब से श्री कृष्ण का नाम सुना व्याकुल, श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनी व्याकुल, उनकी तस्वीर देखी व्याकुल, उनका रूप सौंदर्य देखा व्याकुल। अब महाराज देखा गोपियों ने कि शरद ऋतु है, नारायण जल सारा का सारा निर्मल है और नारायण शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। और ये देखो वृंदावन, ये है वृंदावन, इसका यहाँ क्या है, यहाँ खिली हुई पांच पांच भावों से युक्त पंच रंगे फूल चारों ओर खिले हुए हैं। और मतवाले जो प्रेमी हैं वो भौरे की तरह झुंझार कर रहे हैं, और मनोवृत्ति की जो नदी है वो भगवान की ओर बह रही है यमुना, और पहाड़ की दृढ़ता वहाँ है, और निर्मल हृदय की तरह स्वच्छ सरोवर है। बड़ा आनंद आ रहा है। अब गोपियों ने देखा कि मधुपति भगवान श्री कृष्ण इस वन में गायों को चराने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। कुसुमित वन राज कुल सरस्तरम मधुपति रवगार्य चारयंगा सह पशुपाल बल सुपूज वेणु। मधुपति है, मधुवंश के स्वामी है नारायण, गाय चराना इनका काम नहीं है। मधुपति है वन में, मधुपति माने बसंत है, वो जैसे वन में बसंत आ गया हो ऐसे कृष्ण आ गए। ये मधुपति है, पिलाने वाले हैं, साथी हैं नारायण, ये प्रेम का रस प्रेम की मदिरा पिलाते चलते हैं। अब तो देख करके गोपियां उनको वन में जाते हुए बैठने और बैठ करके वर्णन करने लगी, लेकिन वर्णन करते करते नारायण ऐसा वेग हुआ उनके मन में भगवान के पास पहुंचने के लिए कि बोली बंद हो गई चुपचाप। तब उन्होंने देखा क्या, कब देखो यहाँ से तो श्री कृष्ण निकले हैं, वो जा रहे हैं वन में, आंख बंद और देख रही वन में जाते हुए श्री कृष्ण को। बलहादम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासहा कनक कपिशम वैजयंती जमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यं सुपधरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्री कृष्ण नारायण राधे 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 जप रहे गोवर्धन की तरजी में। सो महाराज राधे 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 की मधुर पुरी सुनकर के सरस्वती मोहित हो गई। अब सरस्वती ज्ञान की देवी सरस्वती इस रसमयी प्रेम ध्वनि में मुग्ध हो गई और श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के बोली हमको स्वीकार करो। कृष्ण ने कहा रे राम राम आराधना रूप जो श्री राधा है उनके रंग में रंगे हुए हैं, हम ज्ञान की सरस्वती लेकर क्या करेंगे। तो ज्ञान की सरस्वती का हुआ तिरस्कार, वो बन गई जड़ बांस। जब बांस बन गए महाराज, जब वो जड़ बांस बन गई नारायण, तब पंच से कटी और कटी और अपने नारायण जड़ से भी कट गई, ऊपर का जो थोड़ा सा हिस्सा था उसकी बनी बांस हुई, उसमें भी गांठें बहुत सारी, तो छेद किया गया महाराज, आग में तपा के उसको ठीक किया गया, सात द्वार बनाए गए, तो सरस्वती जी आ गए बांसुरी के रूप में श्री कृष्ण के पास, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण पर मुग्ध थी।
अब श्री कृष्ण बजावे बांसुरी और राजा रानी आशा मोर आकर के नाचे तो उसकी पीछे गिर गई, उसकी जो पूछ थी तो पूछ के नाचती नाचते नाचते गिर गई। कृष्ण ने कहा हो हमको इनाम दिया, इसने पुरस्कार दिया, जब पूछ को उठा करके और अपने सिर पर लगा लिया। वरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, जैसे आयरन पहनते हैं कानों में, ऐसी अमरदास के लंबे लंबे फूल श्री कृष्ण के कान में लगे हुए और पीतांबर धारण किए हुए। महाराज प्रेम के वस्त्र एक बार भूल जाओ दुनिया, प्रपंच का विस्मरण और भगवद आकार में आसक्ति। नारायण ये न किसी के बेटा और न किसी के बाप, ये तो निर्मम निर्मम रस भगवान श्री कृष्ण और बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में अपना चरण विन्यास करके वैकुंठ से श्रेष्ठ बनाते हुए ये पीताम्बरधारी ये वैजयंती माला पहने हुए नारायण श्री कृष्ण देखो वन में प्रवेश कर रहे हैं। आगे आगे गौ में चल रहे हैं और बीच में नीलांबर धारण किए हुए गौरवर्ण बलराम, पीतांबर धारण किए हुए श्याम सुंदर, उनके पीछे ग्वाल बाल और वृंदावन की भूमि को अपने चरणों की मुहर लगाते हुए ये वन में प्रवेश कर रहे हैं। अब जो गोपियों ने देखा सो गोपियां आपस में बात करने लगे। ये जब प्रेम किसी से होता है महाराज तो उसकी चर्चा के बिना जीव मानती नहीं है, और जब बात न करे तो प्रेम में इतना इतनी लहर उठती है, इतनी धूल उठती है कि वो रोके नहीं रुकती है। अब चार दस गोपियां इकट्ठी होके बैठ गई और कहने लगी कि हरी सखी ये जो नारायण श्याम सुंदर है ना, यही आंखों के मिलने का फल है। अक्षणवताम फलमिदम् न परम ददामः सत्यम वसून अनुवेशयतोर् वयस्यै। देखो पीछे पीछे ग्वाल बाल, आगे आगे गौ है, ये पशु है, पशु गाय नहीं है, पशु है। तो क्यों क्या बोले हम लोगों से हमारे प्यार को दूर प्यारे को दूर दिए जा रहे हैं, ये पशु है। तब बोले देखो आंख का फल रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभाम तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य ज्ञान हुआ, अज्ञान निवृत्त हो गया। तब बस अब तुम्हारा मन क्या करेगा, तब मन ध्यान करे भगवान का, नहीं ध्यान नहीं करेगा तुम्हारा केले चीनी का ध्यान करेगा। हम बिल्कुल सही सही बोलते हैं। हाँ ज्ञान हो जाने के बाद यदि वृत्ति को भगवदाकार नहीं रखोगे तो मठ का चिंतन होगा, चीला चीली का चिंतन होगा, नारायण और संसार में फंस जाओगे। अच्छा ठीक है मन भी गया, पर आंखें किस काम आवे, ये निगोरी आंखें क्या दुनिया को देखने हैं क्या, नहीं ये आंखों की सफलता तब है जब इनसे साक्षात भगवान का दर्शन हो। अरे कैसे बोलती ऐसे कैसे बोलती हो, अरे हम श्रुति है ना, हम ऋचा हैं, हम वेद के मंत्र हैं, हम जो कहते हैं वो समग्र सफलता के लिए बोल रही हैं। तुम्हारी आंख भी सफल हो, मन भी सफल हो, बुद्धि भी सफल हो, आत्मा तो तुम्हारा नित्य मुक्त है ही, उसके बारे में क्या कहना है। पर ये जीवन तो तुम्हारा बढ़िया बने ना, देखो गोपियो नारायण जब आगे बढ़ते हैं है तो कैसे वन के वृक्षों से श्रृंगार करके हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, बोलते हैं। और देखो है कि यदि वो बांसुरी है तूने ऐसा क्या तप किया है कि तुझे भगवान का अर्धामृत मिलता है। वो बोली कि मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मैं बांस सब वृक्षों में नीच जो बांस है उससे तो बनी हूँ, और तो भी अपने वंश से भी कट गई है, अलग हो गई और नारायण आग में जलाई गई और छेद मुझ में किया गया। मैं क्षुद्र वंश की वंशी हूँ, छिद्रों से भरा हुआ है तन, ऐसी तो मैं हूँ, लेकिन शायद एक विशेषता मेरे अंदर है कि न मुझ में अपना कोई राग है,
ना अपना कोई ताल है, ना अपना कोई भाव है, ना अपना कोई संगीत है। जो कृष्ण बजाते हैं, जो राग, जो ताल, जो रागिनी मेरे अंदर भरते हैं, तो ही मैं बोलती हूँ। शायद मेरी यही विशेषता है जिसके कारण श्री कृष्ण का अंत अमृत पीने को मिलता है। ये जो स्वर्ग की देवियाँ हैं, जब रूपती है ना स्वर्ग में, देवता लोग मनाते हैं, नहीं मनती हैं, जब कहते हैं कि चलो चलो तुम्हें कृष्ण का दर्शन करा ले आवे, तो जग विमान पर विमान होकर के सत्यो विमान गतया मान छोड़ देते हैं, आके विमान पर बैठ जाते हैं और नारायण यहाँ आकर के न उन्हें अपने कपड़े लत्ते का ख्याल, न अपने सिर के श्रृंगार का ख्याल, वो तो मगन हो जाती है कृष्ण में। ये देखो श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं और ये हरिणी है, ये नारायण मोर जो है वो नाच रहे हैं। यहाँ मनुस्मृति का गर्व नहीं चलता, वो तो देखो जो वृंदावन से बाहर रहते हैं उन लोगों के ऊपर। यहाँ तो एक ही मंत्र है कृष्ण और एक ही धर्म है जो बांसुरी बतावे, तो चलो सब कुछ छोड़ो और कृष्ण के पास चलो। ऐसी महाराज गोपियाँ मग्न हो गए श्री कृष्ण की चर्चा में। जब देखो श्री कृष्ण जब पांव रखते हैं धरती पर तो नई नई हरी हरी घास निकल जाती है। जब वो बांसुरी बजाते हैं पेड़ों से मधु की धारा बहने लगती है, नदियों का बहना बंद हो जाता है, वो कमल चढ़ाती है श्री कृष्ण के चरणों पर। नारायण ये गांव की जो भीड़ है जहाँ देखती है कृष्ण के चरणों का कुमकुम लगा हुआ है, उसको लेकर अपने मुख और शरीर पर बोलती है, इनसे बड़ा धन्य और कौन है। बड़ी बड़ी आंखों वाली हरिणियाँ जो है कब वो निहारती है, वे उनको देखते हैं। इस तरह महाराज गोपियाँ बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं। आप इस बात पर ध्यान दें कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वे जिनको भगवान मिले हुए हैं, ये देखो श्याम ब्रह्मण ब्रह्म जृंभते, और एक तरह के ऐसे लोग हैं जिनको भगवान के विरह का दुख हो रहा है। तो जो विरह है, जो जिनको न विरह है न संयोग है, वो तो जैसे सब पशु पक्षी जन शरीर संसार में होते हैं वैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भक्त तो वो है जिसको या तो विरह का दुख होवे या तो संयोग का दुख होवे, यदि दोनों नहीं है तो वो भक्त कहता नारायण तो मिलन में तो सुख सुख ही है, लेकिन जब विरह का दुख होता है उस समय इस हृदय को फटने से रोकने के लिए अपने प्रियतम की चर्चा करनी पड़ती है। और वेदांति लोग भी ऐसे ही करते हैं, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एकदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। ये नारायण गोपी जो है श्री कृष्ण चर्चा में न दिन का पता चले न रात का पता चले महाराज, नारायण विरह में भी संयोग बनाए लेती है गोपियाँ और इस तरह से उनका समय व्यतीत हुआ। और महाराज और गोपियों को तो आशा थी कि श्री कृष्ण हमको मिलेंगे। जब तक आशा रहती है वो तब तक श्रृंगार रस रहता है, जब आशा टूट जाती है तब करुण रस हो जाता है। नारायण तो इनकी आशा बनी हुई। ये नंद बाबा के खास गांव में रहने वाली जो गोपियां थी उनके मन में थोड़ा नैराश्य था कि हमारे गांव के कृष्ण हैं और उसी गांव में हम पैदा हुए हैं, तो गांव का गांव में ब्याह कैसे होगा, हम लोगों को कृष्ण कैसे मिलेंगे। तब उन्होंने देवी की आराधना, जब अपने पौर से कोई काम होता हुआ नहीं दिखता है, स्वाभाविक नहीं होता नहीं दिखता है, तब देवी की आराधना उन्होंने की। भागवत में देवी की आराधना के अनेक प्रसंग हैं। जब श्री कृष्ण खो जाते हैं तब भी देवी की आराधना, उनको पहले पहल पाना हो तब भी देवी की आराधना। वो कहते हैं ये देवी जो है ये राधा रानी के ही एक रूप है, जब राधा रानी प्रसन्न होते हैं तब श्री कृष्ण मिलते हैं।
राधा दास्य वपास्य यः प्रयतते श्री कृष्ण संगाशया सोयम पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राकाम बिना कांक्षति। जैसे बिना पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा का दर्शन नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना राधा रानी के श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता महाराज। और राधा माने देखो राधिका, एक आ जोड़ो तो ऊपर से आराधिका आराधिका राधिका साराधिका राधिका है नारायण, ये तो आराधना की मूर्ति है। और ब्रह्म केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष चैतन्या भिन्न रूप से साक्षात्कृत हो जाता है, लेकिन साकार सगुण भगवान का जो दर्शन है वो बिना आराधना के नहीं होता है। तो ये कात्यायनी देवी, अब हम लोग को मंत्राचार्य है ना, सर्वेषाम एव मंत्राणाम देशिको रात्र संशया, संपूर्ण जितने भी मंत्र है उनके देशिक हम जानते हैं। ऐसा कोई श्री कृष्ण मंत्र नहीं है जिसकी अधिष्ठात्री देवता देवी न हो, दुर्गा ही है। संपूर्ण श्री कृष्ण मंत्रों की अधिष्ठात्री देवता दुर्गा है, क्योंकि एक पुराण में तो ऐसा लिखा है काली और शंकर ये दोनों आपस में विहार कर रहे थे तो ये हुआ कि आओ विपरीत रति का सुख लें, तो शंकर जी बन गए राधिका और जो महाकाली थी वो बन गई कृष्ण, ये कृष्ण काली जो है वो कृष्ण हो गई और शंकर जी जो है वो गोरी गोरी राधिका हो गए। और ये महाभागवत, इसका नाम महाभागवत पुराण है नारायण, उसमें ये कथा आती है। तो ये तो असल में गौरी शंकर की लीला है। अभी नागरी लिपि में ये पुराण प्रकाशित हुआ नहीं है, परंतु बंग लिपि में हो बंगला लिपि में ये महापुराण प्रकाशित हो चुका है। और भी कई ऐसे पुराण हैं जो अभी नेपाली लिपि में तो है परंतु नागरी लिपि में नहीं है। इसको महाराज देवी की आराधना की रोज प्रातः काल में जाड़े के दिन में हेमंत ऋतु मार्ग शीर्ष मास में, और इसी से तो कृष्ण ने कहा महीनों में सबसे बढ़िया तू बोले माता राम मार्ग शीर्षो, उसमें तो गोपियों ने मेरे लिए व्रत किया था। अब बालू की मूर्ति बनावे और जमुना स्नान करके कंधे में उनकी पूजा करें और कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्ष हे कृष्णमेव जगुर्जान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वाम कृष्ण 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 दो अक्षर मंत्र जप है महाराज। इसमें काली का बीज जो क्रीम है ना उसका भी समावेश है नारायण, ये जो दक्षिण कालिका है उसका बीज क्रीम है वो, और ये परमहंस रामकृष्ण के संप्रदाय में जिसकी उपासना होती है दक्षिणा काली जिसको बोलते हैं। ओ महाराज मंत्र का जप करते हुए तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा बोले भाई है जहाँ अपनी शक्ति से वस्तु को प्राप्त करने में कठिनाई हो वहाँ देवता की आराधना करके और उसकी सहायता लेनी चाहिए, और दिव्य शक्ति संपन्न होना चाहिए, गोपियों ने ठीक किया। अब श्री कृष्ण ने जा ग्वाल अकेले नहीं गए, ग्वाल बालों के साथ गए नारायण, उन सब गोपियों के भाई भी उसमें थे गए और वो तो किनारे पर कपड़ा फेंक करके और स्नान कर रहे थे, सुझा करके सबके कपड़े उतार लिए। ये देखो ये रस की रीति ऐसी है कि यदि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है या बच्चा दूध पीना चाहता है, अब वो कहे हमको शर्म आती है हम अपनी छाती खोल के बच्चे के मुंह में कैसे डालें, और ये भगवान यदि माँ शर्म करेगी कपड़ा नहीं हटावेगी छाती का तो बच्चे को दूध पीने को कैसे मिलेगा। अब पति पत्नी हुए महाराज और नारायण वो कहे कि नहीं हम एक दूसरे के सामने अपना शरीर नंगा नहीं करेंगे तो श्रृंगार रस का अनुभव कैसे होगा नारायण। इसी प्रकार ये वेदांती जो है ना
यदि इनका आवरण भंग न हो, आवरण माने कपड़ा, आवरण माने वस्त्र, एक जीना सा मिथ्या आवरण, तो बोले हम इसको तोड़ेंगे नहीं तो ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा। अब ये बात दूसरी है कि ज्ञान में इस आवरण का भंग स्वयं को करना पड़ता है। और श्रवण मनन निधि ध्यासन करो महाराज, श्रवण मात्र से ही आवरण का भंग हो जाता है। यदि कदाचित कोई संचय विपर्जय रह जाए तब तो मनन निधि ध्यासन की जरूरत है, नहीं तो महावाक्यार्थ जो है वो शाब्द बोध मात्र से ही आवरण का भंग हो जाता है, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वेदांती लोग तो स्वयं कर लेते हैं, लेकिन महाराज जो भक्त है वो भक्तों का आवरण स्वयं आके भगवान, जैसे पति अपनी पत्नी की शर्म छुड़ाता है, उसके कपड़े हटाता है, इस प्रकार भगवान आकर के स्वयं उनका आवरण भंग करते हैं। इस लीला पर जो आक्षेप करने वाले हैं वो तो रस रहस्य बिल्कुल नहीं जानते। और श्री कृष्ण ने गोपियों को वरदान दे दिया, मये मां रम से अथक क्षपा। और गोपियां जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जितने उनके संस्कार थे पुराने महाराज, थोड़ी लज्जा थी, थोड़ी जातीयता थी, थोड़ी धार्मिकता थी, वो सब कपड़ा क्या फटाया, नारायण चीर हरण क्या किया, उनके सारे संस्कारों का आवरणों का ही भंग कर दिया और उनकी आज्ञा मान के फिर इनके साथ विहार करेंगे, गोपियां चली गई। अब ये हुआ इस वरदान को पूरा करना चाहिए। प्रेम अभिमानी पर नहीं चढ़ता है, वो जो निम्न नीचे होता है ना उसके ऊपर प्रेम जाता है, और विनयी की ओर प्रेम का आकर्षण होता है, अभिमानी की ओर प्रेम नहीं जाता है। और प्रेम में महाराज भूलना नहीं होता है, प्रेम जो है मुखर नहीं है, प्रेम तो सुख को भी सहले दुख को भी सहले, जाहिर न होने दे दुनिया में, जाहिर होने पर प्रेम के नजर लगती है। बोला अब श्री कृष्ण नारायण गोपियों से करते हैं प्रेम। जीव भगवान से प्रेम करता है कि भगवान जीव से प्रेम करते हैं? सच पूछो तो भगवान ही जीव से प्रेम करते हैं। ऐसी आंख दी ना प्रिया, नारायण ऐसा मन दिया, ऐसा तन दिया, बड़ा प्रेम। अब जब गोपियों को वरदान दे लिया श्री कृष्ण ने, तो उसके निर्वाह का जो भार था वो गोपियों पर नहीं रहा हो, अब तो श्री कृष्ण पर आ गया। तो वो महाराज बाल बालों के साथ और देखा, देखो ये पेड़ कैसे बढ़िया वृक्ष है, ये किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटने देते, अपनी हवा दे, अपनी सुगंध दे, अपनी छाया दे, पत्ता दे, फल दे, फूल दे, छिलका दे, नारायण अपना तना दे, अपनी जड़ दे, अपनी छाया दे, अपनी अपना अंकुर दे, और यहाँ तक कि जल के जब कोयला हो जाते हैं कर्तव्य भी लोगों का भला करते हैं। अस्मास्ति तोपई कामान वितन्वते, नारायण मनुष्य के जीवन की सफलता तो इसी में है कि कम से कम पेड़ बिचारे जड़ जो चल फिर नहीं सकते, वे जैसे लोगों को कुछ न कुछ देते रहते हैं, वैसे मनुष्य का जीवन भी होना चाहिए सबको कुछ न कुछ देने के लिए। इसके बाद ये हुआ, ब्राह्मण लोग जो हैं वो कुछ न कुछ गुजर जरूर निकालेंगे, ये धर्म के अनुकूल है, ये धर्म के विपरीत है। तो महाराज पहुंच गए, पंडित लोग जो है ना उनका तो काम ही यही है। एक आदमी पूछने गया कि महाराज हमारे पास कुछ पूंजी है, वो हम किस काम में खर्च करें? तो पंडित जी ने कहा कि 2 रुपया हमारी दक्षिणा पहले रखो और फिर हम तुमको बता रहे हैं। उसने कहा कि हमारी तो पूंजी कुल 2 पैसा है ना, जो हम देना चाहते हैं दूसरे को, अब 2 रुपये की दक्षिणा कहाँ से दें? सो महाराज अब श्री कृष्ण ने कहा कि पंडितों को जरा अनुकूल करना चाहिए,
अब बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हुए ग्वाल बालों के साथ जमुना के किनारे पहुंचे नारायण। अब वहाँ गाल ग्वाल बालों ने कहा कि हमको तो भूख लगी है, कब भूख लगी है तो चले जा, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और उनके यज्ञ में कोई पशु जाग नहीं है, वो तो बड़ा शुद्ध जाग है, क्योंकि जो सहस्रामणि आदि जाग होते हैं सुरा पशु संबंधी उनमें तो अन्न नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसमें तो अन्न लेने में कोई दोष नहीं है, जाके ले आओ। अब महाराज गए ब्राह्मणों के पास, रहे कहीं से न कहे कि देंगे न कहे ना देंगे, ओम कह देते, ओम माने हाँ होता है संस्कृत में, हो ये सन्यासी का मंत्र है ओम, ना ये सबका मंत्र नहीं है, केवल सन्यासी होता है, ओम माने हाँ, ये भी ठीक ये भी ठीक, हाँ हाँ, मर गया कहा, कर जी गया कहा, कर चला गया कहा, कहा गया कहा, ये सन्यासी का मंत्र है, सब में हाँ हाँ हाँ, ना है ही नहीं गाँव वाले ओम से, और जिज्ञासु का मंत्र है ले से, यह नहीं यह नहीं यह नहीं। अब वो पंडित लोग जो थे न तो ओम बोले न तो लेती बोले, बोले साधन से बहिष्कृत है, कर्मक कहीं के अरे जा अब ग्वाल बाल तो लौट जाए, तो महाराज उन्होंने तो हमारी सुनी नहीं, बोले उनकी पत्नियों के पास चले जाओ। अब पत्नियों को जो मालूम हुआ कि श्याम सुंदर मुरली मनोहर नीतांबर धारी इधर आए हैं और उनको लगी है भूख, उनके ग्वाल बालों को भूख, तो महाराज बढ़िया बढ़िया भोजन, देखिए चतुर्विध अन्न जो चबा के खाया जाता है, जो ऐसे ही खाया जाता है नारायण, भोज्य जो चाटा जाता है, जो चूसा जाता है, चारों प्रकार का अन्न ले करके महाराज वो तो वहाँ पहुँच गए, और जो सुगंध पहुंची महाराज श्री कृष्ण के नाक में उनको भी खाने की इच्छा हो गई नारायण, और जो आँख से देखा तो भूख और बढ़ गई, और जब खाया तब तो पूछना क्या, तो महाराज उनके शरीर में बल शक्ति देने वाला भोजन में चार गुण होना चाहिए, दूर से तो उसमें से सुगंध आ रहा और देखने में बड़ा स्वच्छ प्रिय मालूम पड़े और खाने में स्वादु होए और शरीर के लिए हितकारी होए, ये चार बात भोजन में होनी चाहिए, और ये मर मसाला डाल के और करवा बना देना नारायण भोजन को, कहिए जो है ये भोजन की कोई पद्धति नहीं है, उस जीभ ही बिगड़ जाती है, और नारायण यदि वो अन्न शुद्ध होए, कमाई उसकी शुद्ध होए, पवित्रता से बनाया गया हो नारायण, और बनाने वाला पवित्र हो, तब तो फिर कहना ही क्या, अब भोजन ले दी और श्याम सुंदर को एक ग्वाले के कंधे पर अपना बायां हाथ रखे हुए थे और नारायण दाहिने हाथ में कमल लेकर घुमा रहे थे, सिर पर मोर मुकुट और पीतांबर उनके शरीर पर, वनमाला गले में, नारायण कान में कुंडल, मुख पे मुस्कान, आंखों में प्रेम, देख के पागल हो गई वो ब्राह्मणी महाराज, पिलाया पिलाया और श्री कृष्ण ने कहा आप जाओ, आप बोले हम जाएंगे नहीं, अब तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, बोले कि नहीं पास रहने से काम नहीं बनेगा, इतनी भक्ति इतनी प्रीति महाराज, बोले जाओ तुम हमारा श्रवण करना, अब ब्राह्मणियों को रख ले महाराज अपने पास तो सारी गड़बड़ी तो है नारायण, अब पंडितों को मालूम हुआ कि हमारी जो घरवाली है ये तो कृष्ण की भक्त है बड़ी भारी, तो अपने को धिक्कारने लगे कि देखो जिन भगवान का सब कुछ है और जो सब है वे भगवान भूखे का भी लीला करके हमारे पास मांगने के लिए आए नारायण, और हमने उनके लिए दिया नहीं, अब वो तो पानी पानी हो गए, बोले हम धन्य हैं कि हमारे घर में ऐसी स्त्रियां हैं
अब महाराज ब्राह्मणों का मुंह तो बंद हो गया, गोपियों के साथ राज करने में अब ये लोग क्या बोलेंगे, उनकी ब्राह्मणी जो है वही आसिक हो गई कृष्ण पर। आसक्त कहो, आसिक कहो, संस्कृत में आसक्त बोला जाता है, उर्दू फारसी में आसिक बोला जाता है। अब वो क्या बोलेंगे महाराज, अब तो आसिक मासूम उनके घर में ही हो गए, अब नारायण वो अपने ब्राह्मणियों को क्या बोले, गोपियों को क्या बोले, मस्ती खा गई। अब इसके बाद भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों के अनुकूल होने के बाद माने वेद धर्म से भी अधिक धर्म है वो भगवान की पूजा, जो अग्नि के मुख में हवन करते हैं उससे बढ़िया है भगवान की पूजा। ये उधर बात निकले। अब आगे चले, आगे चले तो ये हुआ कि देवता लोग भी गड़बड़ करते हैं, गाँव अब इसी सिलसिले में देवताओं का मत भी छोड़ रहे। तो एक दिन यशोदा मैया ने श्रृंगार किया, 7 वर्ष की उम्र थी उस समय श्री कृष्ण जी और बलराम जी नारायण दोनों को स्नान करा के तेल फूले लगा के बढ़िया वस्त्र पहनाए के आभूषण धारण कराए के गुरुजन का तिलक लगाए के और कहा कि नाला जाओ तुम लोग अपने पिताजी का चरण स्पर्श करके आओ। अब बलराम और श्री कृष्ण दोनों गए नंद बाबा के पांव छू के प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। पार्वती माँ के कृष्ण ने पूछा पिताजी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब देख देखने में तो नन्हे से बालक और बात क्या पूछे महाराज जी, कही आजकल बड़ी भारी तैयारी हो रही है, इतना हलवा पूरी मालपुआ नारायण ये सब बन रहा है, लड्डू बन रहे हैं, सब भोजनों का वर्णन है। वो पंडित लोग जब कथा करते हैं तो सबका नाम ले लेके अलग अलग सुनाते हैं। ये सब ऐसी दिशा क्या उत्सव आ गया है कि जिसके कारण ये सब तैयारी हो रही है। अब नंद बाबा ने बताया कि हमारे कुल की ये रीति है बेटा, सनातन धर्म है कि नारायण हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, तब हमारी पूजा लेके इंद्र वर्षा करते हैं, तो उससे अन्न होता है, तो अन्न से हम लोग और गौएं सब खाते पीते हैं नारायण, और ये हमारे वंश की रीति चली आई है। अब श्री कृष्ण को दो बात बताने के, एक तो इंद्र का जो मद है वो खंड करना था, उनकी पूजा पत्री जो है वो तोड़नी थी पूजा पत्री, और भगवान ब्रज भूमि की जो मिट्टी है ना, जो पहाड़ है, जो चट्टान है पत्थर की, वो भी इंद्र से ज्यादा पूजनीय है, वो उसका भी महत्व ज्यादा है, और जो वैष्णव लोग हैं उनको तो भगवान और भगवत संबंधी पदार्थ को छोड़ करके दूसरे पदार्थ की पूजा करनी नहीं चाहिए। तो महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि पिताजी ये तो प्रकृति में रजोगुण तमोगुण सत्वगुण होते हैं और उसके अनुसार वर्षा समय पर समय पर होती रहती है, और जीव जो है वो जो कर्म उसका होता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। अब इसमें इंद्र क्या करेंगे, इंद्र की पूजा की क्या जरूरत है। अरे बात तो बड़े तर्क बुद्धि से संगत थी। सो नारायण फिर नंद बाबा ने पूछा तब क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए, हम लोग वन में तो रहते हैं वनवासी हैं, और पहाड़ में रहते हैं गिरिवासी हैं, और गायों से हम लोगों की जीविका चलती है, तो दूसरे देवता की पूजा करके क्या करेंगे, आओ हम लोग तो पहाड़ की पूजा करेंगे और ये वृक्षों की लताओं की पूजा करेंगे और गायों को खूब खिलाएंगे और ब्राह्मणों को खिलाएंगे गरीबों को खिलाएंगे, हमारी तो लौकिक पूजा होगी, पारलौकिक पूजा और नहीं होगी। अब महाराज श्री कृष्ण की ऐसी लीला और इंद्र को गुस्से में लाने के लिए उनकी जो वेद पूजा मिलती थी तो बंद कर दिया। अब नंद बाबा उपनंद सन्नंद सबने कहा बहुत बढ़िया, और गिरिराज की पूजा हुई हो,
अब महाराज उसमें इतने तरह के भोजन बने थे तो हमको नाम ही नहीं आता है, हम क्या बतावे नारायण। वो तो किसी हलवाई की दुकान पर आप होटल में कहीं लिस्ट विस्ट पढ़ के देख लेना कि क्या क्या भोजन बनता है। अब वहाँ जा करके गिर ब्राह्मण आए और वेद के मंत्रों का पाठ हुआ, सर्वरूप में तो भगवान ही है ना, गिरिराज की पूजा हुई। अब कृष्ण ने क्या चालाकी की महाराज कि एक रूप से तो नंद बाबा के साथ बैठे पूजा करें और दूसरे रूप से वो गिरिराज बन के प्रकट हो गए। और महाराज जब सब पूजा को लेते रहे लेकिन जब भोग लगाने का समय आया तब तो महाराज बाल्टी की बाल्टी खीर उठा के पूजा हुए और वो बड़ी बड़ी टोकरी भर के पूरी माल को आवे और मुंह में डाल जाए। कृष्ण ने कहा देखो बाबा तुम्हारे इंद्र कभी सामने आए? ना बेटा इंद्र को तो मैंने नहीं देखा। देखो ये गिरिराज कैसे प्रत्यक्ष देवता है, हम लोगों के सामने ही भोग लगा रहे हैं, पूजा तो इनकी करनी चाहिए। अब महाराज हुई पूजा, गिरिराज की हुई परिक्रमा, जितने वहाँ जंगली लोग थे आदिवासी गिरिवासी गिरीश वन शैल निवासी रहा, साफ साफ भगवान ने कहा कि हम लोग कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नगर के देवता तो आदमी नहीं है, हम लोग तो वनवासी हैं, पर्वतवासी हैं, बस हमको तो इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अब सबको खिला पिला के नारायण परिक्रमा हुई, गाते बजाते स्त्रियों ने, कोई बैलगाड़ी पर चढ़ के भी परिक्रमा की, ये नहीं कि पैदल ही किया हो, और नारायण सब ने परिक्रमा की और पूजा पत्री करके आ गए अपने घर में। और उधर इंद्र को आया क्रोध, अब इंद्र को क्रोध आया कि हमारी भेंट पूजा हमको क्यों नहीं मिली, तो महाराज पशु हो गया हो इंद्र देवता नहीं। जब अभिमान आ जाता है नारायण तो देवता असुर हो जाता है। उसने कहा प्रलय काल के जो बादल थे उनको कह दिया तुमको छुट्टी है, जाओ ब्रज के ऊपर और जितने आदमी है, पेड़ है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, गाय है, ऐसी वर्षा करो कि सबका नाश हो जाए। अब महाराज पशु नयत संयम ऐसे बोल दिया, असुर हो गया। अब भगवान के पास सब लोग इकट्ठे हुए, इतनी वर्षा तो कभी नहीं हुई, अब क्या होगा, बड़े बड़े ओले पड़े महाराज और जैसे खम्भा मोटा मोटा होता है ऐसे जल की धारा गिरे। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो ये इंद्र अपनी पूजा बिगड़ जाने से नाराज हो गया है, चलो गिरिराज के पास चले। अब महाराज गिरिराज के पास गए तो झट से हल्का सा उच्छलिंद्रम जैसे बरसाती छत्ते होते हैं, वो सिंधी लोग जिसको खुम्भी बोलते हैं ना और खा जाते हैं पूरा का पूरा, वैसे तो शास्त्र में खुम्भी खाने का निषेध है शास्त्र में नारायण, क्योंकि वो वस्तु के मैल से उसकी उत्पत्ति होती है। तो कवक बोलते हैं संस्कृत में उसको, लक्षणम गृजनन सेव पलांडुम कवकान एतान जग्वा बीजो मोहा। पर वो निषेध जो है ना वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए है, शूद्र के लिए निषेध नहीं है, शूद्र उसको खा सकता है नारायण। अब तो वो खुंभी महाराज जैसे कोई खुंभी उखाड़ दे वैसे उच्छलेंद्र नारायण, हमारे गांव में तो उसका नाम है कुकुर मुक्ता, बोला हमारे गांव में उसको बोलते कुत्ते जहाँ मुड़ते हैं वहाँ वो पैदा होता है। हाँ हाँ, जो लोग उधर से होंगे उनको तो मालूम होगा और संस्कृत में उच्छलिंद्र बोलते हैं। अब महाराज उठा लिया उसकी उसी की तरह हल्का फुल्का पहाड़ को उठा लिया और बोले कि सब लोग आ जाओ। अब बड़े बड़े नारायण गांव वाले बरसाने वाले नंदगांव वाले वृंदावन के गोकुल के सब लोग पहाड़ के नीचे आ गए और बैलगाड़ियां आ गई, गौएं आ गई, जिनके पास बकरी थी भैंस थी महाराज, तो सब के सब अपना सारा धन संपदा लेके बाल बच्चे लेके गिरिराज के नीचे आ गए। और उधर महाराज वो तो बड़ी भारी वर्षा हुए, बिजली चमके, वज्र गिरे सब पहाड़ के ऊपर
सात दिन तक श्री कृष्ण ने धारण किया और ग्वाल बाल जो है वो इकट्ठे हुए बोले कि कृष्ण देखो सात दिन बीत गया, एक पांव पर तुम खड़े हो और एक उंगली पर पहाड़ उठाए हुए हो और तुमने नींद तक नहीं ली, कुछ खाया पिया तक नहीं, तो अब हम लोगों के हाथ में दे दो थोड़ी देर तक ये पहाड़। श्री कृष्ण ने कहा कि अरे भैयाओ हम तो नहीं देंगे तुम लोगों को, हमारी एक ही हो जाएगी, इनसे नहीं संभला, तब दूसरों के हाथ में दिया। बोले अच्छा हमारे हाथ में न सही, श्री दामा तो तुमसे ज्यादा बलवान है ना, वो तो तुमको कुश्ती में पछाड़ देता है और दाव देते देते तुम फिर जाते हो, सो नारायण उसके हाथ में दे दो। बोले नहीं हमको किसी के हाथ में नहीं देंगे। सारे अच्छा तो बाएं हाथ में से दाहिने हाथ में ले लो, हम जरा बाएं हाथ को सहलावे, इसका खून तो ठीक हो जाए। बोले ना ना ये सब कुछ जरूरत नहीं है, जब तक हम तो नहीं मानेंगे, जबरदस्ती छीन लेंगे तुमसे। और वो बोले कि तुम लोग अपनी अपनी लड़कियां लगाओ। तो महाराज सब ग्वाल बालों ने लड़कियां लगाया और कोई कोई तो कहते हैं कि उस समय श्री राधा रानी गोपियां उनका ये बल पौरुष देख करके अरे इतने बलवान है, सचमुच प्रेम करने लायक तो यही है। वीर रथ जो है ना वो श्रृंगार का पोषक होता है, वो बलवान को देख करके मनुष्य के मन में श्रृंगार रस का उदय होता है कि ये पुरुष हमको भोग करने के लिए मिले, ये बड़ा हट्टा कट्टा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ है। और श्री कृष्ण का बल देख करके तो सब गोपियां मुग्ध, और उधर नंद बाबा यशोदा मैया कीर्ति मैया और वृष भानु जी ये सब जो बड़े बड़े थे वो कहें ये सब कुछ नहीं, ये ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद है ना हमारे लाला पर उससे ये सब काम हो रहा है। अब तो महाराज इंद्र का घमंड शुरू हो गया सात दिन में, और सब बादल बादल भाग गए, सूर्योदय हो गया, पानी सब बह गया। तब भगवान ने कहा कि अब तुम लोग निर्भय होकर के बाहर निकलो, अब कोई कष्ट नहीं है। सब लोग बाहर निकले और श्री कृष्ण ने अपने हाथ से उतार के उस पहाड़ को नीचे रख दिया महाराज नारायण। ये और जो पहाड़ नीचे रख के खड़े हुए तो जसोदा मैया ने कहा कि दौड़ के मैं लाला को अपनी छाती से लगाऊं तो पावे ही ना उठे। अब कृष्ण दौड़ के आए, उसकी छाती से लग गए, दूध चुसवाने लगा महाराज, और श्री कृष्ण उसका दूध पीने लगे। मैया ने सिर सूंघा, निछावर किया, बोले ये देवताओं की कृपा है, ब्राह्मणों की कृपा है, ये हमारे लाला ने रक्षा करी महाराज। अब तो सब के सब बड़ी हंसी खुशी से आप ब्रज में आए। और उधर महाराज क्या हुआ कि कामधेनु गोलोक से और इंद्र स्वर्ग से दोनों आए भगवान की स्तुति करने के लिए। अब स्तुति करने के लिए आए महाराज तो इंद्र ने तो कहा कि महाराज ये सब आपका खेल है, तो यद्य भगवान अयम भ्रम ते ग्रहानुबंधा, ये जो प्रपंच हमको दिखाई पड़ता ये तुमको अग्रहणानुबंध है। अग्रहणानुबंध है माने तुम्हारा ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, तुम्हारा ठीक ठीक ग्रहण नहीं होता, इसलिए अन्यथा ग्रहण ये प्रपंच का हो रहा है। तो इस प्रपंच में तो कुछ सत्य नहीं है, तुम ही एकमात्र सत्य हो, तुम्हारे लिए क्या आराधना है और तुम्हारे लिए क्या अपराध है। तो नारायण मैंने तो अभिमान के वश में आके, क्योंकि ऐश्वर्य का अभिमान होता है, इंद्र शब्द का संस्कृत में ऐश्वर्यशाली होता है, यदि परमैश्वर्य जो इकारांत की धातु है उससे इंद्रति इंद्र नारायण परमैश्वर्यशाली भगवान इंद्र है। अब बोले परमेश्वर का हमको अभिमान था और मैं कर्माराध्य देवता हूँ और कर्म का प्रेरक आपका भी देवता हूँ, अभिमान के कारण अपने को कर्ता भोक्ता समझ लिया और ये हमारे कर्तृत्व और भोक्तृत्व कि मैं वर्षा करके सबका नष्ट कर सकता हूँ ये भोक्तृत्व, और नारायण मैं पूजा पत्री लेके भेंट लेके खाता हूँ ये मेरा भोक्तृत्व,
ये जो कर्तृत्व और गोपतृत्व का अभिमान था आपने अपने स्वरूप को प्रकट करके ये हमारा तोड़ दिया। उसी समय कामधेनु आ गई, बोले महाराज ये हमारी प्रार्थना है कि अब तक तो हम अपना इंद्र इस इंद्र को माना करते थे, लेकिन अब हम इस इंद्र को अपना इंद्र नहीं मानेंगे, अब तो हम आपको इंद्र मानेंगे। तो गोविंद पद पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ हो अभिषेक हुआ नारायण और खूब आनंद हुआ। ऐरावत जा करके आकाश गंगा का जल ले आया, सब नदी नदियां इकट्ठे हुई, वेद मूर्तिमान होकर के आए और नारायण जो गायों में मिले उसका नाम गोविंद और जो गवामिंद रहा, जो नारायण ये सब हमारी इंद्रियां है ना शरीर में, इनके भीतर रहकर जो सबका संचालन करता है, इंद्रियों का संचालक वो इंद्र नहीं है जो स्वर्ग में रहता है, इंद्रियों का संचालक वो गोविंद है जो हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में रहता है। महाराज तो गोविंद पद पर भगवान का अभिषेक हो गया। भगवान ने इंद्र से कहा कि देखो इंद्र, तुम्हें जो अधिकार दिया हुआ है उसके अनुसार मर्यादा में रह करके काम करो। दीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तम्भवर्जितैः, जो तुमको अधिकार दिया हुआ है उसके अनुसार तुम काम करो और अभिमान बिल्कुल मत करो और सावधान रहो। तुम पशुओं को मारने के लिए, लोगों को सताने के लिए तुमको राज्यपाल नहीं बनाया गया है, ये तुमको राज्यपाल या मुख्यमंत्री बनाया गया है तो लोगों को सुख पहुंचाने के लिए। इंद्र माने स्वर्ग का राजा हो, एक प्रांत का जैसे राज्यपाल होता है, तो आजकल तो राज्यपालों को अधिकार कम होता है ना, तो मुख्यमंत्रियों को होता है, तो एक प्रांत का तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इसलिए नहीं कि प्रजा को कष्ट दो, तुम्हें तो सावधान रह करके सबको सुख पहुंचाना चाहिए। अब इंद्र ने महाराज हाथ जोड़ के स्वीकार किया, तो उधर देखो ब्राह्मणों की त्वचा जो व्यवधान था रसानुभूति में रास लीला में वो दूर हुआ, इधर देवता का व्यवधान दूर हुआ। अब नारायण एक दिन पड़ी एकादशी पड़ी महाराज, तो नंद बाबा ने व्रत किया। अब वो वैष्णव का व्रत हम लोग जैसा व्रत करते हैं वैसा नहीं हो, एकादशी तो द्वादशी की मम्मी होती है बोला महाबप्पा, अरे बाप रे बाप, जो चीज रोज न खाए वो चीज एकादशी के दिन बना के खाते हैं, इसका नाम एकादशी नहीं होता है वो। अब नंद बाबा तो सचमुच की निराहार निर्जल एकादशी रहे और एकादशी के दिन देखा उन्होंने की द्वादशी कितनी है सवेरे पारण करने के लिए तो बहुत थोड़ी सी थी, तो रात का ठीक अंदाज नहीं रहा, वो जमुना जी में स्नान करने के लिए गए। वैसे ये जो महानदी है उनमें कभी भी स्नान किया जा सकता है, धर्म शास्त्र में उनके लिए कोई निषेध नहीं है, रात हो दिन हो आधी रात हो सवेरा हो, जो महानदी है तो उनमें तो स्नान किया ही जा सकता है। नंद बाबा ने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन वरुण के पास एक नौकर था नारायण, वो असुर था नारायण, तो उसने नंद बाबा को पकड़ लिया और पकड़ के ले गया पाताल में। अब ब्रज में जो है वो तो कोलाहल मच गया कि नंद बाबा जमुना जी में डूब गए, अब जसोदा मैया और गांव के लोगों की क्या दशा हुई महाराज। और उधर भगवान के घर में था कि जमुना जी ने हमको गोपियों के साथ जल विहार करना है, तो नारायण जमुना के जो मालिक है महाराज नारायण जल के जो मालिक है वरुण जी वो भी अनुकूल होने चाहिए, तो उन्होंने एक डुबकी लगाई जाके जमुना जी में और पहुंच गए वरुण लोक में। अब तो श्री कृष्ण को देखते वरुण अपने सिंहासन से उठ के खड़े हुए, उनको बैठाया और उनका नारायण पाद्य उनके चरण धोए, उनका हाथ धुलाया, आचमन करवाया, नारायण उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए, तिलक लगाया,
सुगंध भी दीपक प्रज्वलित किया। नारायण खूब भोजन भाजन करा के विश्राम कराया। नारायण बोले कि ये हमारे सेवक की बड़ी गलती हुई कि आपको ले आया। और उसके बाद जब श्री कृष्ण नंद बाबा वहाँ से विदा हुए तो बड़े बड़े हीरे मोती रत्न पर उनके पास जो खजाना था वो उनके साथ दे दिया। अब नंद बाबा ने देखा है कि हमारे बेटे की तो यहाँ बड़ी पूजा हो रही है, तो आश्चर्यचकित हो गए महाराज। अब उनके मन में ये बात छिपे नहीं, देखो ये बाप जो है अपने बेटे की उन्नति देख करके बड़ा खुश होता है और दूसरे लोग जो है वो किसी की उन्नति देख के प्रसन्न नहीं होते। लेकिन ये माता पिता जब देखते हैं कि हमारा बेटा हमसे आगे बढ़ गया तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। अब महाराज जो सुख था वो तो उनके हृदय में छिपे नहीं। आए तो गांव के जो ग्वाल बाल थे और बड़े बूढ़े थे उनके बीच में वर्णन करने लगे, हमने जमुना जी ने क्या देखा और कैसा राज्य था, कैसा वरुण था, कितना ऐश्वर्य था, और उसने हमारे कृष्ण के पांव धोए और पूजा की और बड़ी भारी भेंट पूजा की। अब महाराज जैसे ब्याह के बाद क्या मिला है नारायण, मायके में ससुराल में उसकी जैसे नुमाइश होती है ना, यहाँ ऐसे नंद बाबा तो नुमाइश करने लगे कि ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है। अब गांव के जो बड़े बूढ़े थे और ग्वाल बाल थे उन्होंने कहा देखो ना आखिर तो इसका बाप है ना ये नंद, इसलिए अपने बाप को तो ले जाके देवलोक दिखा ले आया और हम लोग इसके कौन लगते हैं, हमको तो कुछ दिखाया ही नहीं। अब महाराज गांव में चर्चा चलने लगी। अब श्री कृष्ण ने विचार किया कि देखो ये जीव जो है ये अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं और इनको कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है, कभी डूबते हैं, कभी उतराते हैं और ये इसी प्रकार संसार में अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तो इनके लिए कुछ न कुछ अपनी ओर से ही करना चाहिए। तो सबको इकट्ठा किया उन्होंने और इकट्ठा करके ले जा करके पहले ब्रह्म रथ, एक ब्रह्म रथ है वो ब्रह्म कुंड बोलते हैं उसको, अभी वृंदावन में पानी वाणी तो नहीं रहता है लेकिन सूखी सी जगह है उसका नाम ब्रह्म कुंड, ब्रह्म कुंड है रंग जी के मंदिर के पीछे, वहाँ ब्रह्म रथ में ले गए और ले जा करके, और वो कोई कोई बोलती है जमुना जी में ही ब्रह्म रथ है जहाँ बाद में अक्रूर गए थे, तो ले जाके सबके कहा कि डुबकी लगाओ। और नारायण जो डुबकी लगाई तो सबको ऐसा मालूम पड़ने लगे कि मैं तो अविद्या के अंधकार से परे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूँ, सबको अपना मैं भूल गया महाराज और अपने को ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार किया और उसके बाद भगवान ने अपने को प्रकट किया। अब वो बैकुंठ महाराज और वहाँ सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण और वेद उनकी स्तुति कर रहे और वो महाराज स्वर्ण मुकुट, वहाँ मोर मुकुट नहीं था, वहाँ स्वर्ण मुकुट हीरा मोती पन्ने सब के साथ जड़े हुए और चार हाथ शंख चक्र गदा पद्मधारी और उधर महाराज शिव जी हाथ जोड़े खड़े और उधर नारायण देवी जो काली है वो परिक्रमा कर रही है और ब्रह्मा जी सबको इशारे से चुप कर रहे हैं। अब जो देखा महाराज ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को ऐसे बोले चलो रे ये हमारा सखाई तो है ना इसके पास चले, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं यहाँ उसके पास नहीं जा सकते, हम उसके पास नहीं जा सकते तो हम चले जाएंगे नहीं रहेंगे, चलो हम लोग गोवर्धन पर चले, तो बोले यहाँ गोवर्धन तो चलो जमुना किनारे चले, यहाँ जमुना भी नहीं है, कैसा बांसुरी ले आओ चलिए कहीं वन में बजावे, कहीं यहाँ बांसुरी भी नहीं है, तो बोले हाथ जोड़ते हैं ऐसे बैकुंठ को, ए दादा तू आ जा हमारे पास, ये बैकुंठ हमको नहीं चाहिए। अब तो महाराज श्री कृष्ण झटपट वही बांसुरी हाथ में लिए वे मोर मुकुट धारण किए आके ग्वाल बालों में मिल गए। तो इस तरह से नंद बाबा और नारायण सारे ब्रजवासी इस बात को
समझ गए कि ये जो श्री कृष्ण है ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो अलौकिक चमत्कारवान पुरुष है। आप गोपियों के साथ रास विलास में किसी प्रकार की रुकावट नहीं रही। अब अगले जो 5 अध्याय हैं वो रास पंचाध्याय के अध्याय हैं। नारायण, अब कल हम आपको रास पंचाध्याय सुनाएंगे।